बच्चे प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ करके अपील है, मुद्दे की बात करें, नफरत और समाज में जहर दाग घोले और देश का बहुसंख्यक आबादी जो है बेरोजगारी से, महंगाई से, गरीबी से, खराब अर्थव्यवस्था से और अग्निवीर जैसे योजनाओं से त्रस्त हो चुका है। प्रधानमंत्री जी बताएं कि 10 साल उन्होंने क्या काम किया। प्रधानमंत्री जी बताएं कि इस बार बिहार का घोषणा पत्र में एक बार भी जिक्र क्यों नहीं। आपने जो वादा किया था बिहार को विशेष राज्य देने का, वो क्यों नहीं पूरा हुआ। नौकरी 2 करोड़ देने का, वो क्यों नहीं पूरा हुआ। अब इस तरह की बातें हम तो पहले से कहते रहे, जैसे जैसे हार दिखता रहेगा उस हिसाब से ये लोग हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात करेंगे। इसलिए आप सब लोगों को समझना पड़ेगा कि इनकी उपलब्धि 0 है, इसलिए ये फिर कम्युनल लाइन पे ये बातें कर रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, पलायन, बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, किसान की बात करें प्रधानमंत्री जी, मजदूर की बात करें प्रधानमंत्री जी, ये अग्निवीर योजना क्या है, इसको क्यों नहीं खत्म कर रहे। इससे देश का भला होने वाला नहीं है प्रधानमंत्री जी जो बातें कह रहे हैं। बिहार की जनता, देश की जनता सुनना चाहती है कि प्रधानमंत्री हमारा गरीबी कैसे खत्म करेगा, बेरोजगारी कैसे खत्म करेगा, महंगाई कैसे खत्म करेगा, रोजगार कैसे उपलब्ध कराएगा, देश की अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारेगा। ये है असल मुद्दा। केजरीवाल को जेल में नहीं दिया जा रहा है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि मारने की साजिश है अरुण जी को जेल में। देखिए तंग तो कर ही दे और इस दुख के गरीब हम लोग साथ। माननीय तेजस्वी यादव जी, सत्तू का अनुभव तो स्वाभाविक है, क्योंकि आपके पिता जब कैदी नंबर 3351 के रूप में कोटवार जेल में निवास कर रहे थे, प्रवास कर रहे थे, तो सत्तू का बेहतर इस्तेमाल किया था। माननीय हेमंत सोरेन उसका इस्तेमाल करते हैं, अरविंद केजरीवाल जी भी, क्योंकि पूर्वांचल के लोग दिल्ली में बहुत रहते हैं तो सत्तू का अनुभव उनको है। लेकिन जेल की सलाखों के भीतर सत्तू पीना, सत्तू का अनुभव करना, यह जेल का अनुभव है जो जिसकी विरासत आपको मिली है। किसानों के उत्पाद का जो सत्तू है वो तो देश और दुनिया में विख्यात है। इसलिए हम तो अनुरोध करेंगे तेजस्वी यादव जी आपसे कि आप अपने आप पर जरूर प्रयोग करते रहिए, क्योंकि ईडी सीबीआई के मामले और किसानों के उत्पाद का जो सरजमी है उसको जिस तरीके से नौकरी के नाम पर आपने लिखवा लिया, तो जो सत्तू है किसान का वह अपच होगा। जेल में जो सत्तू मिल रहा है, जहाँ कि आपके पिता भी प्रवास किए, आपको भी जाने का मौका मिल सकता है। एकदम अनुभव बरकरार रहिए, मन भी ठीक रहेगा, दिल भी ठीक रहेगा और किसानों की आत्मा को शांति भी मिलेगा कि हमारा जमीन जो लिखवाया था नौकरी के नाम पर वो जेल के अंदर में गया और सत्तू पी रहा है।